hey medicos welcome back deko guys we need to understand that not everyone has the same grasping and retaining memory power but yes we can use our average potential to work smart through these buzzwords and integrated study we can finish this vast syllabus in smart way now let's take an example a 5 year old child has had 8 episodes of serous otitis media in 6 months and has difficulty resolving the effusion between the infections. What should be done to effectively eliminate the infections? And we have four options: continuing treating each infection as it arises, operated for nasopharyngeal carcinoma, prescribe prophylactic antibiotics for 6 months, child should be operated for adenoidectomy. सो वॉट इज द बर्ज वर्ड हिर गाइज यस द बर्ज वर्ड इज सीरियस ओडाइटिस मीडिया सो लुक ओर यर दिस इज द इमेज ऑफ सीरियस ओडाइटिस मीडिया एंड इफ यू सी इन द क्वेश्चन दैट इज सीरियस ओडाइटिस मीडिया तो आपके दिमाग में दो ऑप्शन आना चाहिए फर्स्ट वी शुड लुक फॉर एज सो अगर ओल्ड एज है या फिर चाइल्ड है सो इन ओल्ड एज द कॉज इज नजो फैरेंजल कार्सिनोमा एंड इन चाइल्ड हुड The cause is adenoid hypertrophy. So, what is the answer? Look over here. We have four options. So, look option D. Child should be operated for adenoidectomy. Why? Because here the mention age is yes, five years. Adenoid hypertrophy. So, in otitis media, first we should treat the cause, then do मायरेंगोटोमी विथ ग्रोमेट इंसर्शन एंड ये ग्रोमेट इंसर्शन किस कॉर्डेंट में करेंगे यस एंटेरो इन्फेरियर कॉडेंट ठीक है सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आस्क मेनी टाइम इन आवर प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन सो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं वॉट इज द ट्रीटमेंट तो ट्रीटमेंट इथ मायरेंगोटॉमी विथ ग्रोमेट इंसर्शन विथ एंडोनाइेड टोमी अगर ओल्ड एज रहा तो नजोफेर एंजियल कार्सिनमा को ट्रीट करेंगे एंड देन वी शुड डू मैरेंगो टोमी विथ ग्रोमेट इंसेशन एंड ये कहाँ पर होगा येस इट इज डन इन एंडेरो इन्फेरियर क्वार ठीक है सो दिस इज अवर फर्स्ट बर्ज वर्ड सेरेस ओडाटिस मीडिया नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड बिफोर गोइंग टू स्टार्ट विद द बर्ज वर्ड लेट्स टेक एन एग्जाम्पल अ थर्टी ईयर ओल्ड फीमेल केम विद फीलिंग लम्ब इन थ्रोट विदाउट डिस्फेजिया What is your diagnosis? And we have four options carcinoma, hypopharynx, foreign body, globus pharyngeus, and all of the above. So, guys, what is the buzzword here? So, look over here. The buzzword is yes, feeling lump in the throat. So, feeling lump in the throat, so we should look for it with dysphagia and without dysphagia. Hai. If it is with dysphagia, then the answer should be yes. कार्सिनोमा हाइपरफेरिंग्स बट इफ इट इस विदाउट डिस्फेजिया देन एंसर्स वुड बी ग्लोबस फैरेंजियस ठीक है तो ये भूलना नहीं फीलिंग ऑफ लंप इन द थ्रोट अगर क्वेश्चन में लिखा रहा देन चेक फॉर डिस्फेजिया अगर डिस्फेजिया है तो कार्सिनोमा हाइपरफरिंग्स अगर डिस्फेजिया नहीं है तो ग्लोबस फेरेंजियस ओके सो नाउ लुक ऑर दिस क्वेश्चन थ्रोट विदाउट डिस्फेजिया ओके फीलिंग ऑफ लंप इन द थ्रोट विदाउट डिस्फेजिया सो आंसर शुड बी क्या होगा? यस, ग्लोबस फेरेंजियस ठीक है आंसर इज ग्लोबस फैरेंजियस लेट्स लुक ओवर द थर्ड बर्ज वर्ड तो और बर्ज वर्ड इज यस फ्रिक्वेंट फ्रैक्चर्स अगर क्वेश्चन में लिखा है फ्रिक्वेंट फ्रैक्चर्स सो गाइज बिफोर स्टार्टिंग विद दिस लुक ओवर द स्ट्रक्चर ऑफ बोन सो दिस इज द इमेज नाउ लुक ओ हियर दिस इज द इपिफाइसिस दिस इज मेटाफाइसिस दिस इज डाइफाइसिस ठीक है तो इफ फ्रिक्वेंट फ्रैक्चर्स सीन इन डायाफाइसिस सो क्या होंगे यस इट इज ऑस्टियोजनेसिस इम्परफेक्टा बट फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर्स मिल रहे हैं एंड दिज फ्रैक्चर्स इन मेटाफाइसिस देन तो आपका आंसर क्या होगा यस बैटर्ड बेबी सिंड्रोम ओके तो इट इज अ टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल एब्यूज टू द चाइल्ड ठीक है एंड यहाँ पर और क्या फाइंडिंग्स मिल सकते हैं आपको यस सब ड्यूरल हिमाटोमा फेलीवर टू थ्राइव सॉफ्ट स्वेलिंग सो दिस आर द फीचर्स ऑफ बैटर्ड बेबी सिंड्रोम ठीक है अगर मेटाफाइसियल है तो बैटर्ड बेबी डायाफाइसियल है तो ऑस्ट्रोजेनेसिस इम्परफेक्टा ठीक है ऑस्ट्रोजेनेसिस इम्परफेक्टा में क्या होता है यस देर आर द ब्रिटल बोन्स ओके नाउ इफ अगर क्वेश्चन में लिखा है देर इज नॉन हीलिंग अल्सर देन ऑलवेज थिंक फॉर इमेज में फूड दिया है या हैंड दिया है ठीक है तो इफ देर इज अ इमेज गिवन ऑफ हैंड देन थिंक फॉर सिरिंगोमाइलिया वॉट इज सिरिंगोमाइलिया सिरिंगोमाइलिया डेवलप्स वेन सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड विच यूजली अराउंड द आउटसाइड ऑफ योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कलेक्ट इनसाइड यूर स्पाइनल कॉर्ड एंड फॉर्म फ्लूड फील्ड सिस्ट तो इसको कहते हैं सिरिंगोमाइलिया तो दैट्स वाई इट इज जनरली सीन इन हैंड्स ओके एंड इफ देर इज अ नॉन हीलिंग अल्सर इन फूड देन थिंक फॉर डायबिटीज फूड ओके तो ये डायबिटीज फूड मतलब क्या होता है देर इज इन्फेक्शन अल्सरेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ डीप टिश्यू विच इज असोसिएटेड विद न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज एंड वेरियस डिग्रीज ऑफ पेरीफेरल वेस्कुलर डिसीजेज इन Lower limb ठीक है तो दिस ऑल बर्ज वर्ड्स विल अवेलेबल ऑन माई ट्वेंटी बुक आई विल डेफिनेटली शेयर द हार्ड कॉपी सुन स्टे कनेक्टेड विद मी इन इंस्टाग्राम नाउ लेट्स टेक वन क्वेश्चन फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री विच इज इंटीग्रेटेड विथ ऑपथर्मोलॉजी सो इफ देयर इज डिसोकेशन ऑफ लेंस ड्यू टू राइजिंग वैल्यू ऑफ होमोसिस्टिन अगर होमोसिस्टिन बढ़ रहा है एंड देर इज डिसलोकेशन ऑफ लेंस सो चेक फॉर क्वेश्चन में क्या दिया है इफ इट इज आउटवर्ड एंड अपवर्ड देन थिंक फॉर मार्फन सिंड्रोम एंड इफ इट इज इनवर्ड एंड डाउनवर्ड देन थिंक फॉर होमोसिस्टिन्यूरिया तो इट इज इजी इजीवाइज आउटवर्ड एंड अपवर्ड ठीक है तो अप कहाँ अप लिखा है ठीक है अप मार्फन, तो ये फैन है फैन कहाँ पर रहता है फैन ऊपर ही रहता है तो आउटवर्ड एंड अपवर्ड विच इज सीन इन मार्फन सिंड्रोम बट इसका जस्ट अपोजिट Inward and downward seen in homocystinuria. Okay, so this is all about the buzzwords. Stay tuned for the next buzzword video. And if you like this video, then please give thumbs up and share with your medical friends. And if you really like this video and want more content like this, you can subscribe my channel. Thank you.